अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वंस अगेन वी आर हियर विद अनदर व्लॉग। आज का सीन जो है वो कुछ इस तरीके से, सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कराता हूँ, हमारे साथ हैं आज उमर भाई। अस्सलाम। उमर भाई जो है रिसेंटली आए हैं यहाँ पे और इनका स्टेटस कुछ अलग है, स्टूडेंट नहीं है, बड़े लोग हैं, तो फर्दर बात करेंगे इनसे भी। तो सीन कुछ इस तरीके से, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और ये यहाँ के कुछ मनाज़िर हैं, फुल जंगल वाले सीन है चारों तरफ, यही सब कुछ है और रिपोर्टें हैं यहाँ पर, बहुत कुछ है देखने के लिए भी, एक्सप्लोर करने के लिए भी। और यह तस्वीर के अंदर ये हमारी जो अपनी प्लेस थी वहाँ से तकरीबन कुछ 45 और 50 मिनट्स की वॉक के बाद हम यहाँ पे पहुँचे। वो सारा रास्ता तो इतना कोई ख़ास नहीं था जो बताते बाहर रोड का, बट अंदर की जगह इंटरेस्टिंग थी। उमर भाई ने कहा कि शेयर करी जाए, हमने कहा क्यों नहीं। तो अब फर्दर बात करेंगे उमर भाई से, उमर भाई अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फर्दर बात करेंगे कैसे क्या आना हुआ, फिर आगे बात करेंगे। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और जो है मैं अभी 17 साल का होने वाला हूँ। हम यूके अभी मैं कोई 3 महीने पहले आया हूँ। हम डिपेंडेंट वीज़ा पे मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ मूव हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा प्रोसीजर रहा, आराम से आ गए और जो है यूके एक्सप्लोर कर रहे हैं मोनिस भाई के साथ नई नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज फ्री थे, संडे का दिन था, तो हमने सोचा कि कुछ एक्सप्लोर करते हैं। ये बैरामाउंट पार्क हमने गूगल पे देखा, तो आज यहाँ एक्सप्लोर करना है और आपको दिखाएंगे आगे क्या होता है यहाँ पे। तरह हाइकिंग बाइकिंग का भी थोड़ा है सीन और अप टू यू मोनिस भाई। उमर भाई अभी हमारे साथ फर्दर अपना अभी तक का जो इनका सफ़र रहा है यहाँ पे ये भी शेयर करेंगे, साइमल्टेनियसली हम आपको एक जगह भी दिखाते रहेंगे। और हाँ, सबसे पहली चीज़ यहाँ की, अगर मैं स्टोन की हिस्ट्री बताऊँ, मैंने एक पिक्चर कैप्चर करी थी इसकी, अभी दिखाते हैं आपको पिक्चर। वो जो है ना, ये इसकी एक हिस्ट्री बता रही थी और वो वहाँ स्टार्टिंग में थी, तो उसको ज़रा कैप्चर करेंगे। और हाँ, एक और चीज़, इस पार्क के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है ना इन्होंने ये लगाई हुई है कि इस पार्क के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे नीचे जो है वो बैट का लगा हुआ था, ये बटरफ्लाई का लगा हुआ है, और क्या चीज़ किस तरीके से यहाँ पर काम करे। जैसे ये बटरफ्लाई की स्पीशीज़ है, ये स्पीशी यहाँ पे किस तरीके से काम कर रही है। स्पीशी बेसिकली बायोलॉजिकल टर्म के अंदर कहा जाता है इसको, और ये किस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है और इसके क्या फीचर्स वगैरह हैं, ये सब इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। और इसकी जो स्टोन्स वगैरह हैं वो कुछ 750 BC के हैं, कुछ जो बहुत पुराने, बहुत ही ज़्यादा। तो ये कुछ इसकी हिस्ट्री थी इस तरीके से, जो उन्होंने स्टोन पर लिखी हुई थी और मैंशन करी हुई थी। फर्दर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, भाईजान आ जाओ। तो हमने ढूंढना है शॉर्ट से शॉर्ट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमने वॉक अच्छी खासी करी है अभी तक। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो थक चुके थे और यहाँ पे आने के बाद फ्रेश हो चुके हैं, थोड़ी एक्सरसाइज हो गई है। बहुत एक्सरसाइज हो गई। ये एक तरीके से हाइकिंग ही है और एक तो स्लोप टाइप का बना हुआ है। मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊँ ऊपर के, तो ये पूरा अलग ही शेप दिया हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्लेस है, बहुत ड्रॉनी भी है। यहाँ पे मोस्टली लोग रात के टाइमिंग में बहुत आके क्योंकि ड्रॉनी है, तो एक डार्कनेस और वो इस जगह को और ज़्यादा क्या कहते हैं उठाता है। तो अल्लाह की कुदरत है, 750 BC की इन्होंने चीज़ को इस तरीके से रखा हुआ है। और मज़े की बात ये है कि ये लोग इस ग्रीनरी को काटते वगैरह नहीं है, कुछ करते नहीं है। बाकी ये लिखा हुआ इन्होंने डेंजर एरिया, कोई ना कोई तो सीन होगा। ये जो इन्होंने मैंशन करा है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, कीप द क्रिएचर सेफ फ्रॉम हार्म, सो वी हैव टू वर्क ऑन इट। सांस फूल रही है। अच्छा जी, पानी रखा हुआ है, सब कुछ है। तो उमर भाई अपना फर्दर अभी तक का कैसा रहा, इससे पहले कहाँ थे आप? 3 मंथ मैं तीन मंथ में से 2 मंथ मैं बर्मिंघम में रहा हूँ अपने रिलेटिव के घर। और क्या कहते हैं, फ्रॉग आ गया, इससे थोड़ी सी दोस्ती लगानी है, बातचीत करनी है। ये पूरा फ्रॉग का इन्होंने लिखा हुआ है, सब बताया हुआ है क्या चक्कर है, कहाँ से आ रहा है ये। अच्छा जी, आप पाउंड में कोई अपने बच्चे देते हैं यहाँ पे इस फ्रॉक से दोस्ती लगाने के लिए? इसके साथ थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी, इसको भी कलमा पढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चे कलमा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। तो ये भी स्टूडेंट वीज़ा के लग रहे हैं मुझे, जिस तरीके से मायूस हुआ है ना इसको अकोमोडेशन नहीं मिली। हाँ यही रोना है इसका, या पे शिफ्टें खत्म हो गई हैं, कुछ ऐसा मसला है भाई के साथ। कोई नहीं भाई, तेरा ये मसला भी हल कराएंगे, तू बता दे बस। हाँ
तू खाली क्या कर, कलमा पढ़ ले, तेरे सारे मामला हल करवा देंगे। हाँ, हम इसी चक्कर में आए हैं बस, ये सबको यहाँ पे मुसलमान करके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो आप अपनी हिस्ट्री शेयर कर रहे थे। जी, मैं ये बता रहा था मोनिस भाई वगैरह को भी कि जैसे मैं 3 महीने में मुझे यूके में हो चुके हैं, तो उसमें से मैंने 2 महीने अराउंड बर्मिंघम में रहा हूँ मैं, एक अपनी रिलेटिव के घर, तो उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये यहाँ पर एक और चीज़ स्क्वायर आ गई है, पढ़ाएंगे, ये खुश लग रही है। हाँ, इसने ज़रा खाना वाना खाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं इसकी मील चल रही है। इसने लगता है अच्छे नंबर से पास करा है, इसको डिस्टिंक्शन आई है, अच्छी स्कॉलरशिप के साथ है। इसकी शिफ्टें लगी हुई हैं, वो फ्रॉक भाई साहब वहाँ पे ज़रा कहीं दूर बैठे हैं, उनकी शिफ्टें नहीं लगी हैं। खुशी से अंदाज़ा लगाया जाता है यहाँ पे, खुशी से अंदाज़ा लगाया जाता है। ये भी खुश है हमारी तरह, अच्छा है, हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, ये भी इंजॉय कर रही है। फिर मैं जो है बर्मिंघम से मैं यहाँ पे हडर्सफील्ड आया था कोई अराउंड मंथ अगो, तो हडर्सफील्ड में भी अच्छा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे जो है मैं बहुत लोगों से मिला, मोनिस भाई से मिला, इन्होंने बड़ी हेल्प की हमारी, थोड़ी अकोमोडेशन ढूंढने में मसला हो रहा था, थोड़ा वो हल हुआ। ये देखिए ये स्क्वायरल यहाँ पे, यहाँ पे नहीं नज़र आ रही, ये जस्ट फाउंड दिस स्क्वायरल। हाँ, और यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है। कहाँ गई वो, ऊपर चली गई वो, यहाँ कहीं घूम रही है स्क्वायरल, खुश है ना, उसके सारे काम हो गए। हाँ, ये स्टोरी कंटिन्यू रहेगी, नई चीज़ आती रहेंगी। एक और चीज़ हमें देख गई है, ये लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं कुछ यहाँ पे, संडे का सब। हाँ, एक्सप्लोर, ये भाई साहब यहाँ पे मिल गए, एक ये आउल है, ये इसकी भी हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है लोगों ने, टाउनी आउल लिखा हुआ है। और इसके ये भाई साहब ज़रा थोड़ा सदमे में लग रहे हैं, इनके कोई बाकी हिस्से वैसे मुझे इतने खास नज़र नहीं आ रहे, बेकार वही है। आगे भी और चीज़ों से मिलते रहेंगे और एक्सप्लोर करते रहेंगे। ये ज़रा कुछ खाने पीने का वो है, ज़रा फूड एरिया के हिसाब से बनाया हुआ है। आपकी स्टोरी को कंटिन्यू करें, स्टोरी तो स्टोरी में कुछ ऐसा है कि क्या कहते हैं, अकोमोडेशन की यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन 3 महीने रहे थे तो फिर उसके बाद मिली अकोमोडेशन। बर्मिंघम के 2 महीनों की मैं बात करूँ तो बर्मिंघम में 2 महीने जो रहा वहाँ पे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे इलाका है एक सटन कोल्ड फील्ड, मैं वहाँ पे रहूँ तो वो अच्छा इलाका है। बर्मिंघम में लोग बड़े अच्छे हैं, बड़ी जो है हैपनिंग सिटी है, वहाँ पे आप अच्छा खासा घूम सकते हो, टाइप ऑफ आप समझे अगर पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे कराची का थोड़ा माहौल है, अच्छे पाकिस्तानी लोग भी वहाँ पे हैं और जो है ब्रिटिश भी हैं, बड़े सपोर्टिंग लोग हैं, अच्छा उन्होंने हमारी जो है हमें वेलकम किया और बड़ा मज़ा आया बर्मिंघम में। तो बैक टू द स्टोरी, जी हियर वी फाउंड द कैसल रिफ्रेशमेंट रूम्स, जिस पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है ये, और मज़े की बात ये कि इन्होंने एक एक डेट मेंशन करी हुई है, 1884 में क्या प्लान्स थे, 1885 के क्या थे, 1886, 88, 900, 908, 14, 59, ऑन 2011 तक का इन्होंने सब मेंशन करा हुआ है। mm-hmm. जो यहाँ पे इन्होंने कैसल बना हुआ है पूरा मैप इन्होंने ड्रॉ करा हुआ है, आई मीन दस फैंटास्टिक द वे दे डिस्क्राइब दिस प्लेस। और ऑन अ सीरियस नोट, बहुत ज़बरदस्त प्लेस है, और इस जगह को देख के कैटेगोरिकली निकलता है कभी अला रबी का मातों का जीबान। और एक और जो शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम जितना शुक्र अदा करोगे हम तुम्हें उतना अदा करेंगे। उमर भाई भी हाफिज है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मोनिस भाई भी और मैं दोनों। हाँ, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम नीचे की ओर जा रहे हैं और एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, जो जो इंटरेस्टिंग दिखता जा रहा है हम आपको बताते जा रहे हैं। ये यहाँ पे है और आगे नीचे शायद कुछ और देख रहे हैं, मुझे आपको वो भी दिखाते हैं। अच्छा जी, तो सीन कुछ इस तरीके के हैं, हम इस जगह पर नीचे की तरफ है जिस जगह को इन्होंने मेंशन करा हुआ है, द मेल्थम ब्रांच लाइफ ऑन द रेलवे, तो इसकी पूरी हिस्ट्री मेंशन करी हुई है। इतना टाइम नहीं है अभी हम हिस्ट्री को पढ़ें, आगे बढ़ते हैं। 1868 की कोई कहानियाँ मेंशन करी हुई है, वैसे वो सब कुछ यहाँ पे बहुत पुराना है। अच्छा जी, तो सीन कुछ इस तरीके से, नई चीज़ वो भी बता दूँ कि करंट सितंबर इनटेक के स्टूडेंट्स के आने का टाइम हो चुका है। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट विशेज टू ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इमिग्रेंट, दोज हु आर लुकिंग फॉर यूके, किसी भी पर्पज़ से आप लोग आ रहे हो यहाँ पे, पढ़ाई के लिए आ रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए। अब ये है कि अपनी लाइफ को यहाँ पे गुजारना कैसा है, चीज़ों के अंदर किस तरीके से इन्वॉल्व होना, बिकॉज़ अगर हम फ्री रहते हैं तो
क्योंकि यहाँ की रूटीन इस तरीके से है कि हम उसको कोप अप नहीं कर पाते, कैच नहीं कर पाते। तो उसके लिए है कि हम लोग अपना जो डेली रूटीन है ना, उसको हम इस तरीके से रखें कि हम लोग चीज़ों में इन्वॉल्व हो। अगर हम चीज़ों में इन्वॉल्व हुए होंगे इतना पता नहीं चलेगा सब चीज़ों का। तो उसके अंदर एक तो ये होता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग के डेज के अंदर जॉब वगैरह ये सारे मामला थोड़े से क्रूशल होते हैं। फिर आपको सेटल होना, क्योंकि आप ऑब्वियसली पीछे से फैमिली को छोड़ कर आ रहे होते हैं, सारे मामला होते हैं, उन सब चीज़ों को देखना होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उन सब चीज़ों के अंदर। तो उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हमने करना क्या है, करना यह है कि हमने अपने आप को अच्छी चीज़ों के अंदर, अच्छी और हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करना है। हडर्सफील्ड के अंदर अगर आप आ रहे हैं, मैनचेस्टर, किसी भी सिटी जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनको आप अगर एक्सप्लोर करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं। बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं यहाँ पर, जो बहुत पुरानी लाइब्रेरीज़ हैं, आप वहाँ पर जाएँ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ऐसी होती हैं कि आपने नॉर्मली नहीं देखा होता उन सब चीज़ों को। तो जाएँ, उसको एक्सप्लोर करें। हर चीज़ से आप पॉजिटिव चीज़ निकालने की कोशिश करें। यहाँ तो हज़ार चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से अपने लिए क्या चीज़ निकालते हैं जो आप बोलेंगे यार ये चीज़ मुझे फ़ायदा देगी। तो सबसे पहले कि सारी हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी है, स्पेशली स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आपका माइंड फ्रेश होगा तो आप लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर, हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकेंगे। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ सोसाइटीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व हों। तो वहाँ से आपको क्या होता है, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है क्योंकि वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं। फिर उसके अंदर ये नहीं होता कि आप कौन सी ज़बान बोलते हो, कौन से कलर को, नो मैटर व्हाट दैट, हु यू आर, इट्स ऑल डिपेंड कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं, आप यहाँ पे किसी और मकसद से आए हुए हैं, तो आप उस जगह को कहते हैं इन्जॉय करें, उस लाइफ को इन्जॉय करें पढ़ते हुए। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि एज अ मुस्लिम आपकी कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, इस्लाम हमें किसी चीज़ से रोकता नहीं है, किसी चीज़ का मना नहीं करता, हमारी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, उन सब को सामने रखते हुए उन सब चीज़ों के अंदर हमने इन्वॉल्व होना है। तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, इन्वॉल्व हों, शो दी अपने आप की जो आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं। अल्लाह ताला ने हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई एबिलिटी, कुछ ना कुछ रखा होता है, इट्स ऑल अप टू यू कि आप उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आप उसको कहते हैं ये बोलने के गलत चीज़ों के अंदर, गलत एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो आपके लिए यहाँ पे भी प्रॉब्लम है और यहाँ की जो बात जो लाइफ है उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। सो अपार्ट ऑफ दैट, ये सब हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, इन्वॉल्व होना चाहिए इसके, इससे माइंड फ्रेश होता है। सारे हफ्ते की कहते हैं जो एक मैं बोलूँ बर्डन था, वो अब एक इस छोटी सी एक एक्सरसाइज से, छोटी सी एक्टिविटी से वो फ्रेश हो जाता है सब कुछ। फिर आप बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट। तो हमने भी कुछ इसी सोच के साथ हम यहाँ पे आए थे और इन सब चीज़ों के अंदर लग गए। और वीडियो बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आपके साथ शेयर कर सके कि यहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपको डिस्टर्ब करे, कुछ ऐसा। इट्स ऑल अबाउट यू, क्या हाउ मे यू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सच थिंग्स। सो मुझे लगता है कि हम कोई बड़ी कनाल, टनल वनल में आ गए हैं, कोई एक शॉर्टकट मार के ऊपर जाना पड़ेगा इस जंगल से निकल कर, यहीं से चलते हैं, आप पहुँच जाएंगे कहीं ना कहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये कौन सी जगह है? उस तरफ चलना पड़ेगा नीचे। किस तरफ? उस तरफ। उस तरफ तो बिल्कुल आउट ऑफ द वे ना चले जाए। भाई क्या करें, चलो कुछ तो करते हैं, रोको। अच्छा जी, तो सीन कुछ इस तरीके से हैं कि हम पहुंच चुके हैं सो कब्रिस्तान, पता नहीं भाई किसका है ये ब्रह्मांड पार्क के अंदर ही बना हुआ है, सबसे खौफनाक जगह यही है। अच्छा जी, सीन कुछ इस तरीके के हैं कि हम लोग बढ़ गए आगे और रैंप पे चढ़ना, सांस फुल टाइम फ्री है। हमारे बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर जो है कब्रिस्तान बना हुआ है, हम हैं जंगल के बीचों बीच। उमर भाई कैसा फील कर रहे हैं आप? फीलिंग तो अच्छी है लेकिन सांस भी फूल रहा है, मज़ा आ रहा है। और बीच में एक जगह ऐसी थी, डर भी लग रहा था कि आगे जाग आ रहे हैं, पता कुछ है नहीं ना। कोई नहीं कोई नहीं,
ये तो अकेले हैं, हम फैमिली के साथ। तो क्या हुआ, अकेले वालों के लिए तो और भी ज़्यादा मसले मसाइल हैं भाई। मेरी भी फैमिली है भाई, मेरे भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। अच्छा जी, पता नहीं कितने पुराने दरख्त हैं इनके, तो ज़मीनों के अंदर से चीज़ें निकल कर आ गई हैं सारी। ये भी खो गए हैं। हाँ लड़ा ना मान के घर जा रहे हैं लोग। रास्ता भूल गए, रास्ता क्या भूल गए, इनको रोजाना का पता हुआ है, रोजाना के आने जाने वाले लोग हैं, तभी ये कब्रिस्तान से निकल के जंगल में आएंगे लोग। तो हमारे लिए है, इनके लिए क्या मसला, आदि लोग ही है। मैं कह रहा हूँ इसके पीछे जाना कहीं सुनो लेने के देने पड़ जाए। घूम फिर के ही जंगल ही मिलते हैं। हम ही लोग जाएंगे और कौन, आए हम हैं तो हम ही जाएंगे भाई। अच्छा जी, सीन कुछ इस तरीके से कि जंगल से निकल के एक और जंगल में पहुंच गए। हाँ अच्छा जी, तो सीन कुछ इस तरीके का है कि हम आ चुके हैं अब कनाल और गुफा से, नीचे निकल के ऊपर की तरफ जहाँ पे बच्चा पार्टी इंजॉय कर रही है। इंटरेस्टिंग, ऐसा। अच्छा जी, सीन कुछ इस तरीके से यहाँ पे आए हैं देसी फैमिली, फुल अपना वाला सीन लग रहा है। मामला तो ऐसे हैं कि वो याद आ रहा है कि वो बिरयानी बना के चले जाते हैं संडे वाले दिन, और सुबह से लेके शाम तक वहाँ पे गुजारते हैं एक देख बिरयानी के साथ, इसके बाद घर पर आ जाते हैं। देखो इतना सारा कचरा जमा हो गया आज का, भाई लेके जा रहा है थाल, तो बिरयानी खुल चुकी है, फारिग हो चुकी है बिरयानियाँ। नेक्स्ट टू अब दूसरी लोकेशन जाना पड़ेगा। चलो भाई चलो। अच्छा जी, सीन कुछ इस तरीके से, यह है इस पार्क का दूसरा व्यू। हमने जो व्यू देखा था वो अलग ही व्यू था। ये है साफ सुथरा जिसने इन्होंने मेंशन करा हुआ, प्ले ग्राउंड और बस लिखा हुआ पढ़ लो खुद ही। तो ये साफ सुथरी साइड है इस पार्क की, और वो तो पता नहीं खतरनाक जगह भी चलेगा इसमें। अगर मजे भी तो वीडियो बनाए तो कमेंट्री में कर दो तो। भाई यही एक चीज़ मिली है, अब पता नहीं भाई ये आबशार है क्या चीज़ है, कुछ तो है बस, जो भी है माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत चीज़ है। Here we just found the one of the beautiful view of this park. अच्छा भाई, तो सीन कुछ इस तरीके से है, दिस इज़ ऑल अबाउट द बेमान पार्क, और जो हमने एक्सप्लोर करा हमने आपके साथ शेयर करा। होपफुली यू विल गोना लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो कमेंट बिलो विच पार्क यू लाइक, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड नवाजिश होगी। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।